के खाजेडी पंचायत में उच्च विद्यालय परिसर क्षेत्र में बट सावित्री की पूजा बट वृक्ष के नीचे विधि विधान एवं नियम निष्ठा से महिलाओं ने की। यह बट पूजा सावित्री और सत्यवान से जुड़ा पौराणिक कथा है। ऐसा मानता है कि जब सावित्री की पति सत्यवान का यमराज के द्वारा उनका मौत हरण किया गया तो सावित्री के द्वारा वो अपने तप बल पर यमराज से लड़कर अपने पति का जीवनदान करवा लिया। उसी समय से यह आस्था का पर्व का प्रचलन चलाया और लोग इस दिन बटवृक्ष की पूजा विधिवत करते हैं। पेड़ में धागा बांधना, पंखा हिलाना सहित पूरे निष्ठा से पूजा पाठ करते हैं। इस अवसर पर पुजारी भी यहाँ मौजूद रहते हैं। यह दिन पर दिन यह पर्व बढ़ते चले आ रहा है। इस जगह पुजारी भी देखा जाता है। पुजारी को आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। आज जो आप बट वृक्ष का पूजा की है, क्यों की है पूजा? ये क्या मानता है, इससे क्या जो है फायदे हैं पूजा बट वृक्ष करने का? पति का उम्र लंबी रहे, भाग बचे। और क्या कहें हो गया आपका? आप जो आज बट वृक्ष का पूजा किए हैं, क्या मानता है और क्या फायदे हैं इनका? नियम है, नियम से किए हैं पूजा का। पति के बाद देखो सुहागे के लिए पूजा करते हैं ना, लोग जो करते हैं तो सुहागे के लिए ना, नियम से ना करते हैं। नियम नहीं रहेगा तो कौन करेगा? चलिए, अपने पति के दीर्घायु के लिए जो है पूजा अर्चना की है आज आप लोग। आज जो आप लोग जो है बट वृक्ष का पूजा किए हैं, इसका विधि क्या है? विधि अपने पति के लंबे उम्र के लिए वो व्रत रखती है। जैसे सावित्री अपने पति के यमराज से दान मांगे थे, इसीलिए पूजा में क्या क्या जो है सामग्री लगती है? जहाँ में सामग्री